जैकल 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 भाई जैकल आ गया, फोक्स आ गए। वाह आ गए, यानी कि रात को ना और ये तो यही घूमेंगे। सुपर, आ जाओ भाई, भागो मत, हम आपको देखने आए हैं। सामने ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और हमारा न्यू एफआरएच लेफ्ट साइड में। और नाइट जार बोल रहा है। चलो गाड़ी साइड में लगा दो, मैं तो सबसे पहले एक बार मचान पे से देखूंगा कि हाथी वहाँ है या नहीं है। मनीराम जी, खाने का किस किस टाइम रहता है, क्या क्या रहता है? चलो आप पहले उससे पता कर लेते हैं ना। अरे वाह, भैया ने एक राउंड पूरा जिप्सी घुमा दी है, हर जगह लाइट मार दी है कोने कोने में, ताकि कुछ अंदर ऑलरेडी कोई टारगेट वगैरह बैठा तो नहीं है। लाल कुछ नहीं है, तो आप हम सेफ़ हैं, उतर सकते हैं ज़मीन पे और अपने रेस्ट हाउस में जा सकते हैं। सबसे पहले हम खाने का मालूम करेंगे कि क्या सीन है, संतोष भाई कब बना रहे हैं। चलो भाई संतोष भाई से पूछ लेते हैं कैंटीन में क्या है। आ जाए? हाँ संतोष भाई, कब तक बन जाएगा? सबको वैसे भूख लग रही है, जब बना दो तब बना देना जल्दी। आधे घंटे ना, चलो आधे घंटे में तो बढ़िया है, इतने जब तक रूम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तो यहीं पे डाइनिंग हॉल पे यहाँ पे लग जाएगा ना, आप फ्रेश होके आ जाओ, यहीं पे अच्छा लगता है। बैक टू फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये रूम बहुत शांति मिलती है मुझे, कमरे में आके बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम एंट्री की, हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो गेट था वहाँ पे जैकाल थे, तुरंत भाग गए दोनों। और जैसे ही ये मनीराम जी बता रहे थे कि कैंपस के अंदर आपको बहुत जैकाल दिखेंगे शाम को ऐसे घूमते हुए। तो अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कार आई है, अभी हम आए हैं, अभी देखना थोड़ी देर में। और नाइट जार तो पूछो मत, कितने यहाँ पर घास में बैठे हैं, उड़ रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, और नाइट जार की आवाज़ भी आने शुरू हो गई है। सुपर, मज़ा आने वाला भाई। अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में खाना रेडी हो जाएगा, खाना खाते हैं, जब तक थोड़े से चेंज वगैरह करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, क्योंकि सफारी से आए धूल बोते हैं। तो भाई फिलहाल 7:15 बजे मनीराम जी ने गेट बंद कर दिया है और इलेक्ट्रिक फेंसिंग चालू कर दी है। तो अभी मचान की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे हाथी अभी भी हैं या नहीं है। यहाँ से ही हमारा ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इस तरह से दिख रहा है। लाइटें जला दी मनीराम जी ने ऊपर की, और अब सब कमरों की लाइटें जल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये एक ही कमरा है, 3 खिड़की है ना, कमरा एक ही है, लेकिन काफ़ी लंबा कमरा है। अरे वाह, ये आवाज़ किसकी? ये उल्लू है, ओवल है ही तो, प्लेन जा रहा है क्या? यार यहाँ प्लेन डिस्टर्ब करने आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये इंडिया में भी कहीं भी सुकून नहीं है, अगर आदमी नहीं है वहाँ अलाउ नहीं तो प्लेन आ जाते हैं। बस ना, बस ये थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर नज़र रखना है ना, वैसे तो आंखें चमक जाएंगी, दूर से दूर तक कोई जानवर तो नहीं है। अभी हम मचान पर जा रहे हैं, काफ़ी थ्रिल एक्सपीरियंस हो रहा भाई, ऐसा लग रहा है मचान पर कोई होगी। एक नज़र में देखा मैंने, हाथी ऊपर थी तो नहीं खड़ा, वो मुड्ढे थे पर भाई जैकाल भाग गया, वो दोनों भाग गए कितनी तेज़ी से। ये दोनों ना यहीं रहेंगे, वो देखो आंखें चमक रही हैं, देखो 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 दोनों की। माय गॉड, हम बीच में हैं, हमारे चारों तरफ है। आ जाओ मचान पे चलते हैं, देखो उनकी लाइटें देखो हैं, वो तो यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। भाई सुपर एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। मैं डिकाला में भी ऐसे घूमता हूँ कैंपस के अंदर शाम को। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ से एलिफेंट दिखते हैं या नहीं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग मत सुनना बस, है ना। हाथी तो यहीं है, आवाज़ आ रही है, और ऊपर भी आ गए, यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं। वैसे हम मचान के ऊपर सेफ हैं, मुड्ढे उड़ा देंगे, बस ये लैंडस्लाइड होकर टूट के नीचे ना गिर जाए एकदम से। यहाँ तो नहीं आती, देखना यार, ये नीचे नदी है, यहाँ आती नहीं दिख रही, इधर ही है, लेफ्ट साइड में ही है वो, इस तरफ है ना। यार ये तो गलत हो गया, हमें हाथी नहीं दिख पाएंगे, पर आवाज़ सुन सकते हैं। नहा रहे हैं, छपके मार के नहा रहे हैं भाई। ओ भाई, कहाँ हो महाराज? लॉन्ग रेंज की चाहिए, इसका मतलब बड़े वाली चाहिए टॉर्च। भाई यहाँ कभी आओ तो टॉर्च भी अच्छे वाली लेके आना, इससे काम नहीं चलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। भाई ये फील करो आवाज़, जयकाल को देखते हैं, रोशनी मार के कहाँ है भाई। ये देखो जयकाल है वहाँ पे, ये पेड़ के पास, कहाँ गया? ये रहा, पेड़ के पास, ये देखो चल रहा है, ये चल रहे हैं, 2 जयकाल हैं। इन्होंने पूरे गेस्ट हाउस को घेरा हुआ है। हाँ नहीं, बोरा देखो आँख दिख रही है चमकती हुई, ये रहा। इन्होंने पूरे गेस्ट हाउस के जब से चक्कर काट रहे हैं, मनीराम भाई ठीक बोल रहे थे, जयकाल इधर ही आ जाते हैं थोड़ी देर में। इनको इलेक्ट्रिक फेंसिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे छोटे जानवर है ना, तो नीचे के दो थारों में करंट नहीं होता, ऊपर के थर्ड में होता है शेर के लिए और सबसे लास्ट वाले में होता है शायद फिफ्थ में हाथी के लिए। और इधर अपना न्यू एफआरएच की बिल्डिंग इस तरह से दिखाई दे रही है। और ऊपर चांद काफ़ी अच्छा दिख रहा है, चांद देखो बिल्कुल पेड़ के, पेड़ से ना काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी आ रही है, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फॉलो कर लेना। चलो डाइनिंग हॉल में चलते हैं। क्या टाइगर जिस टाइम सर आप उधर गए थे, हाँ उधर को टाइगर इधर निकला। अच्छा हम उधर उस तरफ गए, इधर टाइगर निकला। अब मैं उधर आवाज़ भी दे रहा था। नहीं आप तो हाथी, हाथी खड़े थे, हाथी के लिए कह रहे थे। नहीं नहीं उससे थोड़ा जरा जस्ट। अच्छा और फिर बाद में ये चिल्लाए भी थे, क्यों चिल्लाए थे जब हम चले गए? हाथी आ गए थे इधर। हाँ हमें वो तो हाथी के लिए कर रहे थे आप तो, हाथी के लिए आप निकले गए ना। हाँ आप ककड़ी डांग निकले, उधर को जैसे चौराहे से इधर निकले होंगे। ओह उसके बगल में मैं आवाज दिया, मैंने इनको आवाज दिया। अच्छा तो हाथी तो उधर, टाइगर इधर निकले, टाइगर इधर निकल गया, निकल गया। बहुत तेज आवाज कर रहा था, टाइगर की आवाज आया था और बहुत खतरनाक। अरे टाइगर चौंक गया। चलो कोई बात नहीं, आवाज आया टाइगर का, रोलिंग साउंड जो आता है वो बहुत जबरदस्त। अच्छा लेकिन आपकी नसीब नहीं। चलो कोई नहीं कल देखेंगे। सुबह कल किधर जाए, किस तरफ जाना ठीक रहेगा? मलाइटिंग की तरफ जाएंगे। बना दो भैया खाना, बस हम लोग भूख लग रही है, चूहे कूद रहे हैं अब तो। नहीं कोई नहीं आप तो बनाओ, खाने में तो वक्त नहीं लगेगा। क्या बढ़िया हाथ चल रहा है भैया का, फटाफट प्याज कट रही है, बढ़िया है। आज इनके हाथ का ढका के देखेंगे टेस्ट। यहाँ पे भैया मिले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश जोशी। राकेश जोशी। तो यहाँ पे ना भैया मिला है थोड़ा सा हॉरर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है यहाँ पे ना, मतलब कोई आदमी अकेला कैसे रह सकता है। तो भैया आपका तो ऐसा भी होगा कभी अकेले भी रुके होंगे? हाँ सर अकेला है ना जी। हाँ जी। तो मतलब जैसे कुछ ऐसा हुआ जैसे डर लगा बहुत ज़्यादा, कुछ मतलब बहुत डर लगता है सर। कभी क्या होता है कि ऐसे जैसे उस पल्ली बंगले में, हाँ ब्रिटिश ज़माने का बंगला, हाँ वो ब्रिटिश ज़माने का है, ब्रिटिश ज़माने का बंगला था। तो उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा ही मर गया था, बहुत पहले की बात। तो उस मरने के कारण क्या उसकी आत्मा तो तब उसको ले गए साथ में। हाँ। वो मतलब अचानक क्या हुआ उसको, हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ? हाँ। तो उसको ले गए। हाँ। लेकिन उसकी जो आत्मा थी ना, हाँ वो अभी भी उस बरकरार रहती है। मुझे महसूस हुआ अगर आप अकेला आदमी लेटेगा उसको ऐसा लगता है किसी ने मानव ने दबा दिया है। मैं दोपहर को सबसे पहले वहाँ पे गया, मैं अकेला था, लेकिन अकेला मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इतने बड़े बंगले में। हाँ। वो सोफे पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है। तो उसमें ना एकदम आदमी को ऐसा लगेगा तुम्हें कोई आदमी दबा रहा है। तो रात को जब 12-1 बजे देखोगे तो आप जैसे घरों नींद में सो रखे। हाँ, हाँ। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मरने की जैसे आवाज कर रहा है, चिल्लाने की बचाओ की। अकेला तो मेरे ख्याल से कोई रुकता नहीं होगा उसमें, जैसे बाहर से भी अधिकारी आते होंगे, टूरिस्ट आते होंगे, बहुत सारे बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत है हमको, आइए तो हमारे साथ किसी को भेज दो, यहाँ कोई आवाज आ रही है। कुछ नहीं होता है, आप आराम से सोइए। हाँ। इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। हाँ। तो खिड़की से कोई आवाज जैसी आती है, तो लेकिन लोग बहुत सारे घबरा जाते हैं, जैसे बचाओ। अचानक रात में अंधेरी रात है, डर तो लगता ही है, इतना घनघोर जंगल है, इतना खतरनाक है। इस टाइम हम मचान पे गए, एक अकेला आदमी जाके दिखा दो वहाँ पे, टूरिस्ट में कोई नहीं जा पाएगा, बहुत खतरनाक। तो ये मतलब नहीं समझ गया, मैं समझ गया, ये तो हकीकत है। जब वो वहाँ से ले गए तो तब से वो उनकी पता नहीं उसकी आत्मा वहीं रह गई, तो तब से वो परेशान करता था, तब से परेशान करता है। होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। हाँ जैसे वहाँ हमारे स्टाफ के या कोई विभागीय लोग होते हैं, बोला भैया जी रात को कोई दरवाजा खड़खड़ा देता है, ये वैसे आवाज आती है। न्यू एफआरएच वैसे कहीं बनता नहीं है, यहीं पे बना हुआ है। हाँ, बहुत पुराना। देखो ये वो खाली पड़ा है, यहाँ पे रुकते हैं टूरिस्ट, इसलिए उसमें नहीं वो तो विभागीय है। नहीं तो वो विभाग का हो गया, पर्यटकों के लिए यही है, वो विभागीय है, इसलिए उसको बैंड वो तो अधिकारी लोग रुकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जैसे यहाँ पे सामने रात को बैठे हो, कोई टाइगर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फेंसिंग के पास आ गया। टाइगर इस जो पेड़ है ये, हाँ ये जो पेड़ है, ये इस पेड़ के सामने टाइगर ने बिल्कुल चीतल को मार दिया। इस वाले पेड़। दिन की बात है या शाम की? 8 बजे के करीब ही। अच्छा ये दरवाजा खुल रहा हुआ है ना फेंसिंग के अंदर, क्या हुआ हमारा फेंसिंग पावरफुल नहीं था। अच्छा फुल नहीं था, खराब हो रहा। हाँ तो उसने क्या करा, तू यहाँ ऊपर लोग रोके थे, बोला टाइगर ने मार दिया। हाँ अरे ये तो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। तो क्या मतलब टाइगर यहाँ पे आ गया? बिल्कुल यहीं पे, बिल्कुल। कब की बात है, कितने पहले? ये अभी 2-3 महीने की बात है। 2-3 महीने? हाँ 2-3 महीने। आ जाता है यहाँ पे टाइगर, आने में क्या दिक्कत है, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जयकाल घूम रहे हैं। हाँ जयकाल तो खैर आता ही है, जयकाल तो आता ही है, टाइगर 8 फीट 9 फीट चला, लेपर्ड भी जैसे कूद के आ जाता है ना। बिल्कुल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हुआ जाता है। बहुत की जंपिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं मुंडिया पानी में रुका था, अभी हो गए होंगे 3, 4, 5, 6 महीने। उससे तो बहुत खतरनाक है, वो तो सड़क के किनारे है। वो तो बिल्कुल वहाँ पे तो कोई, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपको किसी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो रोड ही है, रोड ही है, और वो डेंजरस है। अभी हाथी मिलेगा आपको, टाइगर मिलेगा, गुलदार मिल सकता है, लेपर्ड। ये कॉर्बेट का सबसे खतरनाक जोन, मतलब सबसे डीप फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है ये, जहाँ पे ये फॉरेस्ट है सबसे। बहुत टफ है यहाँ पे, पर मज़ा भी आता है, थ्रिल है। थ्रिल भी है। अब देखो ना, हम सब दुबक के यहाँ बैठे हैं, दिन में कोई नहीं बैठ रहा, सब दूर दूर दौड़ रहे थे। हाँ, लेकिन दिन में सेफ है, दिन में कोई दिक्कत नहीं, दिन में तो दिखता है ना दूर दूर का। अब देखो आगे भी काफी दूर तक, अब देखो कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको झाड़ी में टाइगर ही दिखा, अब सामने ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। ये कहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है? मैं अच्छा, जैसे मैंने अभी टॉर्च जला के मैं ऐसे इधर देख रहा था झाड़ी की तरफ। गेस्ट हाउस था ये वाला, ये ऊपर गेस्ट थे, ऊपर गेस्ट भी थे। हाँ, ऊपर गेस्ट थे, उन्होंने ही बताया। हम तो उधर खाना वाना खा रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा टाइगर ने इस पर किल कर दिया। अच्छा, तो देखा उन्होंने? सबने देखा, सवेरे लोगों ने भी देखा। तो टाइगर तो फिर लेके गया, नहीं ले गया ना, वो शोर मचा दिया ना, सब शोर मचा गया, बहुत भीड़ हो गई। पर एक बात बताओ, एक बार किल हो गया ना तो टाइगर इधर उधर नजरे तो बनाए रखा होगा। बिल्कुल, फिर हमने उसको बाउंड्री से उधर पार किया, पार कर दिया, फिर वहाँ से ले गया होगा, फिर वो लेके गया होगा, फिर ले गया होगा। बहुत दिक्कत है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 किचन है, एक तो ये वाली होगी गेस्ट के लिए, एक स्टाफ के लिए उधर होगी। तो गेस्टों के लिए हमारा अपना तो लकड़ी में बना। ओल्ड, अच्छा आप लकड़ी में बना, अरे वाह, लकड़ी का चूल्हा, वाह। हमने तो खैर रात में से रुके हुए हैं, तो हम लोग तो मतलब बाहर ना निकले, यही सही सेफ, बिल्कुल सेफ है, सेफ्टी के लिए हम लोग कमरे में ही रहे, रात में बेटर है, ज्यादा बेटर है। अरे पावर फेंसिंग के अंदर रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, पावर फेंसिंग के अंदर। वो हम सब लोगों के लिए है, अभी करंट छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। करंट कब पे छोड़ते, कितने? 8-9 बजे छोड़ देते हैं, शाम सुबह 6 बजे से पहले हटा देते हैं, जब उजाला हो जाता है, ताकि 5 बजे तक निकलेगा ना लोग। हाँ, तो भाई जी बता रहे हैं, ये भी मचान की तारीफ कर रहे हैं। जो वॉच टावर है वो यहाँ का यूनिक पॉइंट है। आप आए तो मतलब टूरिस्ट वैसे हमेशा कोशिश करता होगा कि शाम को वहाँ जाए बैठे, है ना। हाँ, सब मतलब 10 बजे के बाद तो और भी जैसे जैसे रात वहीं जाते हैं। अरे क्या मचान पे, तो मचान पे ठंडा भी लगता है। और बता रहे हैं कि वहाँ से ना जयकाल से लेके वाइल्ड बोर, नदी में आप टॉर्च मारोगे सब कुछ दिखेगा, लेकिन टॉर्च थोड़ा पावरफुल होनी चाहिए। ये नदी तक तो जा रही है, मतलब मोबाइल तो नहीं देख पा रहा, लेकिन ये देख पा रही है। और हॉरर स्टोरी भी इन्होंने बताई है ब्रिटिशर्स टाइम की, कि एक डेथ हुई थी। तो देखो बंगला दिन में भी बहुत खतरनाक लग रहा था। वो मैं अकेला तो घूम रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था अकेला है, मैं आराम आराम से खोल रहा सब कुछ चीज़ें। इतना बड़ा बंगला है, इतना विशाल बंगला है, और रात को तो बिल्कुल खाली है। तो रोशन भाई, आप अकेला रुकना चाहोगे वहाँ पे? नहीं नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा अकेला, अकेला तो नहीं रुकना चाहेगा कोई भी। हाँ, लेकिन रुकना जरूर चाहेंगे। हाँ, कभी आएंगे तो। वैसे तो हम आज वहीं पे रुकते, क्योंकि हम तो 4 लोग रुक सकते हैं एक साथ, क्योंकि लेकिन कल कोई अधिकारी आ रहा है। अच्छा, आप भानगढ़ गए थे? हाँ, मैं भानगढ़ गया हूँ, भानगढ़ का ब्लॉग भी है मेरा, पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे बाकी सारा तो ठीक है, जैसे नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस है, सारी जगह घूम रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, वो बिल्कुल खतरनाक था, यूनिक था। एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वहाँ पे सर्वे करने आई थी, जब उन्होंने देखा था, तो वहाँ पे उन लोगों को नेगेटिव एनर्जी मिला था। वो जो मशीन उन लोगों को नेगेटिव एनर्जी मिला था, वहाँ पर दिखा था, समझ में आया था, दिन में भी रात में भी। उस कमरे के अंदर कोई नहीं जाता है। वहाँ पे बाहर में अगर आप देखो तो पूजा वूजा करके भी रखा हुआ है, कुछ टिके वगैरह लगे हुए हैं। उस कमरे के अंदर ज़्यादा कोई नहीं है, और उस कमरे के अंदर अंदर से अंदर 7 कमरे हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि रात से भी ज़्यादा अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, धूप अंधेरा, कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई खिड़की कुछ नहीं है, बिल्कुल अंदर अंदर कहाँ है मालूम नहीं चलता है। मेरे अंदर का कीड़ा थोड़ा सा कह सकते हो, वो ब्लॉगर वाला जो कीड़ा होता है, वो लगा यार मैं जाऊँगा अंदर, तो मैं कैमरा लेके अंदर चला गया। हाँ, नहीं मेरे साथ वो एक लड़का था, वो गाइड था वहाँ पे, वो भी था मेरे साथ। टॉर्च लेके गया था मैं, टॉर्च लेके गया था, ये वाला टॉर्च था, ये वाला टॉर्च था, और मैं अपना कैमरा लेके अंदर चला गया। तो जब मैं अंदर गया वहाँ पे, जब मैंने घुसा, तो जो लड़का था उसने बोला कि भैया इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, बोले यहाँ पर ही हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी निकला था, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं तक रहूँगा। वो वहाँ रुक गया। फिर मेरा अंदर का जो कीड़ा था, कीड़ा मेरे को और थोड़ा अंदर लेके गया, तो वो कुछ इस तरह से रास्ता है कि ऐसे बीच से घुसना, इधर से एक कमरा, फिर सेकंड कमरा, फिर बाद में कितने कमरे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं सेकंड कमरे तक ही गया था। तो मैं यहाँ गया, जब जैसे ही यहाँ पहुँचा तो बदबू आई, चमगादड़ की बदबू थी, अलग अलग चुपड़े भी सामने से। तो सेकंड कमरे में जा रहा था, मैंने टॉर्च जला के देखा वहाँ से और यहीं से शूट कर लिया। दैट वाज ओके, वहाँ तक ठीक था। मुझे कुछ लगा कि हाँ कुछ अलग सा है, ठीक जगह नहीं है। फिर मैं वापस आया, अब जहाँ से घुसा था उस जगह को मैंने क्रॉस किया, क्रॉस करके मैं इधर आया एक कमरे में, और उस कमरे के बाद मैं सेकंड कमरे में घुस रहा था सर, मैं घुस नहीं पाया। अच्छा, मैं नहीं घुस पाया। मतलब तुमने अपने आप कोशिश करी जाने की? नहीं, मैंने कोशिश की। दो चीज़ें हुई मुझे वहाँ पे फील, इस जगह पे, इधर वाले पे नहीं, राइट हैंड साइड पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीज़ें फील हुई। पहला जो मुझे फील हुआ वो फील हुआ कि जैसे लगा जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा है, लेकिन ये सेकेंड फीलिंग थी। पहली फीलिंग ये थी कि अंदर से कमरे के अंदर से बिल्कुल आपका कभी एसी का जो ब्लोअर होता है वो अगर आपकी तरफ घूम जाए, बिल्कुल ठंडी हवा कैसे आती है, 16 पे आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है एसी का और उसका फ्लैप जो है आपने घुमा दिया, फ्लैप घुमाने के बाद सीधा आपके चेहरे के ऊपर हवा आई, तो बिल्कुल वैसी ठंडी हवा आई बिल्कुल मेरे चेहरे पर, बिल्कुल लगा बिल्कुल सामने से हवा आया, बिल्कुल ठंडी हवा। फिर भी मैंने स्टेप आउट किया, स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे ऐसे लगा उसको धक्का दे रहा है, यहाँ से बिल्कुल दबाव इस जगह से एकदम यहाँ पे भारी सा लग रहा है, भारी सा कुछ दे रहा है। मेरे पैर जो है लगा मेरे पैर में मैंने पत्थर बांधा हुआ है, मोटा कोई पत्थर बांधा हुआ है, पैर बढ़ नहीं रहा है। वहाँ जाकर फिर मैंने बोला नहीं जाना है, कुछ तो है, कुछ तो दिक्कत है। मैं जो लड़का था वो गाइड जो था वो लड़का पीछे खड़ा हो गया, वो खड़ा था, वो आगे आ नहीं रहा था, मतलब भैया आ जाओ पीछे आ जाओ, आगे मत जाओ, लेकिन आया कुछ तो ज़रूर है। फिर मैं पीछे आया और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वो अगर आप ब्लॉग देखोगे ना मुझे पूरा सब कुछ दिखेगा, खड़ा होके फिर मैं वहाँ पे कैमरा साइड में करके मैं बताने लगा कि मैं राइट हैंड साइड में गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड में गया, और वहाँ पर मुझे ऐसे फील हो रहा था, खट्ट से जैसे कुछ आवाज़ आया, जैसे कुछ मतलब दीवार के ऊपर चट्ट से कोई मारते हैं ना, किसी आवाज़ आती है, कट, अंदर तो कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल क्लियर आवाज़, इतनी क्लियर आवाज़ कि वो उसके अंदर रिकॉर्डेड है ऑडियो उसमें। मैं डर गया, डर के भागा वहाँ से, और भाग के मैं वापस गया, लेकिन वो अंदर की तरफ जाके ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने थोड़ा बाहर से ही ब्लॉग किया, फिर वहाँ से निकल गया। उसके अलावा और कोई भी जगह में मुझे वैसा फील नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर जगह पर मैं डर गया था, मैं डर गया। ये पूरा ब्लॉग आपने बना रखा है? हाँ, ये 2 एपिसोड में मैंने भानगढ़ का बनाया, अच्छा है वो ब्लॉग देखो मेरा, रोशन भाई के चैनल पे जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला ब्लॉग ना। हाँ, मैं आपको डायरेक्ट अपना डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेगा उस पर डायरेक्ट, मैं आपको डाल भी दूंगा। लेकिन बड़ा ही शानदार था, अच्छा बनाया, मैंने बहुत सारे ब्लॉग बने हुए हैं, बहुत सारी स्टोरीज है, मैंने स्टोरी जो वहाँ का रखा था उसमें मुझे बताया, वो भी मैंने दिखाया हुआ है, सब कुछ सही है, बहुत सारे अच्छे ब्लॉग बने हुए। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे ब्लॉगिंग के करते के टाइम पे वहाँ पे हुआ था, भानगढ़ में तो है भैया, तो है। भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं रात को, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाहर बहुत ज़्यादा गुप्त अंधेरा है, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, पर देखेंगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ब्लॉग करने। और खाना भैया ने बोला था आधे घंटे में बन जाएगा, पर फिलहाल 1.5 घंटा हो चुका है। तो कभी यहाँ पे आए तो संतोष भाई पर भरोसा मत करना। संतोष भाई वैसा ऑनेस्टली कब तक बन जाएगा खाना? खाना कितनी देर में बन जाएगा ऑनेस्टली? बस आटा ही गूंदना है ना? दाल छूट गई, पनीर छूट गया? अच्छा, ये क्या है? पनीर है? दाल पनीर का रखा है? अच्छा, इसमें? इसमें चलो देखते हैं भाई पनीर कैसा बना है। गर्म हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अरे वाह, कितना बढ़िया पनीर बना है, यही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था। वाला मेरा YouTube चैनल है सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, 15,000 सब्सक्राइबर हैं और 15,000, और ढिकाला की वीडियो बनाई थी, ढिकाला में 3.5 लाख व्यू थे, सबसे ज़्यादा व्यू मेरे वही थे। मतलब वैसे सबसे पहला व्लॉगर था जो मैं गया था वहाँ पे, फिर उसके बाद तब तो जाते ही रहते हैं सब। एडिट करना पड़ता है लैपटॉप में, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं। ये आईफोन लिया है, ये हाँ, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, पहले लैपटॉप खरीदना पड़ता है। अब देखो मेरे पे पहले लैपटॉप, 3 लैपटॉप कर चुका यूट्यूब के चक्कर में। हाँ, अब मतलब यूज़ घिस जाते हैं। अब मैंने लैपटॉप लिया 55,000 रुपये का, अब उसमें सॉफ्टवेयर लिया, वो खरीदा, लाइसेंस 5-6 हज़ार रुपये का। अब उस नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर, और अब ये कैमरा खरीदा 55,000 रुपये का, ये जो मतलब आईफोन है, ये iPhone 11। मतलब इतने पैसे लगाने के बाद, और जैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे है नहीं, ये तो इंडिया में मिलता है नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे तो महंगा होगा? नहीं, यहाँ पे इतने का ही है, बाहर सस्ता है थोड़ा। बाहर मिल जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5-6 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। और आ जाओ भैया। और अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने का सारा पैसा, और मिलता कुछ नहीं है मिलता कुछ नहीं है, बस ये है कि फ्यूचर में मिलेगा। व्यू आते हैं तो अभी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, 0 रुपये। पर चलो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। ये आगे मनीराम जी कहाँ थे भाई साहब आप? ऐसे उतरते। अच्छा उतरते। 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी है। 1000? हाँ 15,000 है, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा मनीराम जी वहाँ पे हाथियों की आवाज आ रही ना अभी भी? चिंगारने की आवाज आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। सुशील जी के साथ हम आए हैं कुछ देखने, और यहाँ पे कुछ है मेरे ख्याल से जयकाल ही भाग रहे होंगे, है ना? जयकाल ही है ना? देखो देखो, चुप रहो। कहाँ पर है? भाग्य 2 थे जो भी थे। बहुत तेज खड़खड़ की आवाज थी। हम थोड़ा सा एक और राउंड लगा के आ रहे हैं। जयकाल अगर यहाँ पे घूम रहे हैं तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे कुछ और था, वहाँ पे कुछ और था, क्योंकि जयकाल तो यहाँ पर है। बोरे चमक रहे। अरे दो हैं यही दो तो घूम रहे हैं बार बार। लेकिन उस तरफ क्या था? उधर देखो, इधर सांप की जगह में चल रहा है, तो सांप छूटता है। चलो भाई एक बार फिर से मसान पे जाते हैं, और दोबारा से आएंगे यहाँ पे। बार बार आना है, 10 बजे के बाद भी देखेंगे यहाँ पे आके। इनके पास हाई टेक लाइट है, ये देखो नदी में पड़ रही है सीधा। लाइट मारने से डिस्टर्ब नहीं होगा। जंगल के बीचों बीच है फुल। दिस इज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, बहुत अलग चीज़ है ये। अभी भैया ने आवाज़ लगाई कैंटीन की तरफ से, डाइनिंग टेबल की तरफ से, तो खाना खाने वापस जा रहे हैं। ये अपना ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, भूतिया बंगला। भाई कोई जानवर पास में, हम लाइट ही चला रहे फिलहाल, लाइट चलाएंगे तो भाग जाएंगे। यहाँ नहीं है, दूर है सारी लाइट। यहाँ नहीं है, दूर है। यहाँ नहीं है, दूर चले गए। आ जाओ भाई। लिटरली यहाँ पे ना आसमान बहुत साफ है, स्टार गेजिंग में तो मज़ा आ रहा है। चांद बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मज़ा आ गया। चलो भाई प्लेट वगैरह तो आ गई है, लगा दो भैया खाना, लगा दो। तो भाई यहाँ पे अपना खाना आ चुका है। ये पनीर, दाल, चावल, रोटी। अपना खाना फिनिश हो गया है, और संतोष भाई ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। कभी हल्दुपुरा आओ तो आपको यानी कि टेस्टी खाना मिलने वाला। और पनीर जरूर लेके आना, पनीर तो बहुत टेस्टी बनाया इन्होंने। अच्छा तो संतोष भाई बता रहे हैं मानसून में ना प्लेन रिवर है, इसको क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर के ऊपर से भी पानी आता है। जैसे आप मैं बाहर गया, मैं लिया था, आप बाहर गया, आप लिया था, तो मतलब अंदर मार जाते। मेन तो हाथी का रोल होता है ना, हाथी पार करता है उसको। जब ज्यादा पानी हो जाता है तो हाथी तो पार कर लेता है ना। नदी में जब पानी बढ़ गया तब कैसे लेके आते हो? नदी तो उस समय हम आते नहीं, जैसे फोन करके थोड़ा दूर है हाइट पे जाके फोन करके बता देते हैं आप नदी पानी आ जाए, आज आपको आना नहीं है। अच्छा तो जिस दिन थोड़ा पानी, हमेशा पानी बढ़ा ले जाता हूँ, हमेशा नहीं रहता। जब ज्यादा बारिश लगातार 2-3 दिन तक पड़ जाती है तो 2-3 दिन तक नदी चल जाती है, फिर थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर बरसात में आप लोग यहीं रहते हो? हम लोग यहीं रहते हैं, हमारे 12 महीने। हम 24 घंटे की ड्यूटी हमारी, हम 24 घंटे ही हैं, 12 महीने। क्योंकि ऑफिसर भी आ रहे हैं तो उनका भी खाना बनाना है, उनका भी, हम लोग सारे भी, और अपना भी बनाना पड़ता है। मानसून में अधिकारी लोग आते रहते हैं कभी-कभी, हाँ आते रहते हैं जी। बाकी ऐसे तो जगह का माहौल बहुत खराब, और हम लोग तो मतलब परमानेंटली रहते। अच्छा यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा अधिकारी कौन आया? कुछ नेता वेता भी आते रहते हैं कभी कभी? आते हैं ऐसे तो नहीं सकते, कोई बॉलीवुड स्टार वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया ना? या तो बॉलीवुड स्टार या कुछ इस तरह से हॉलीवुड वाला कोई? एक बार आए हर्षवर्धन आने। अच्छा हर्षवर्धन आने जब आए, एक बार आए थे, फिर आने के लिए दोबारा गए थे, लॉकडाउन लग गया। अच्छा लॉकडाउन लग गया था, बहुत बढ़िया। मतलब मॉनसून के टाइम में तो जंगल का माहौल तो बहुत खराब हुआ था, तो उसमें क्या कैसा मतलब जंगल कैसा रहता है मॉनसून के टाइम में? मानसून के टाइम में जंगल थोड़ा हरा भरा हो जाता है, बारिश मतलब भारी हुमस होती है यहाँ पे, घना-घना हो जाता है, तो मतलब ह्यूमिडिटी होती है, हुमस होती है यहाँ पे या नहीं? हाँ अभी 15 दिन बाद तो अभी गर्मी इतनी हो रही है, तब जैसे मानसून आएगा हुमस हो जाएगी, है ना? तो अभी बरसात में और हाँ, क्योंकि ये तो लोअल रीजन है ना, पहाड़ों पे नहीं होती ना हुमस। आधा होने है तो जंगल से निकलती है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है भैया, ठीक है संतोष भाई, ओके गुड नाइट, मिलते हैं सुबह है ना। ओके ओके, सुबह आलू के पराठे खिलाना। ओके भाई ओके। तो खाना तो हो गया है, बस थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं कैंपस में। और नाइट जार फिर से स्टार्ट हो गई है, एक उस तरफ ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की उस तरफ बोल रही है, और एक जहाँ पे ये स्टाफ रहता है उस तरफ बोल रही है। और बाकी रोशन भाई और पर गए हैं चेंज करने, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। पता है अगर वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है तो बिल्कुल ऐसी शांत दबे उसमें आराम से हल्के से घूमो। इलेक्ट्रिक फेंसिंग के उस तरफ काफ़ी आवाज़ आ रही है। कहाँ है ये, रहा वो जा रहा, क्या ये? शांत रहना, बिल्कुल शांत शांत। मेरे ख्याल से ये दो नहीं है, ये कम से कम 5-6 है। जैसे इन्हें खाना मिल रहा है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, क्या खाएंगे? अरे नहीं, हमारे जो खाना बनता है वो खाते हैं। हाँ कहाँ? और कितने सारे हैं ना किचन में आ रहे हैं। ओ भाई, कैंटीन के पीछे कितने सारे हैं, आँखें चमक रही हैं। वो देखो भाग गया, उन्होंने देखी ना लाइट आ रही है, कैसे भाग गए। सॉरी मोबाइल में नहीं दिख पाएगा, लेकिन टॉर्च में बिल्कुल क्लियर उनकी आंखें चमकती हुई दिख रही हैं। इन्होंने तो पूरे गेस्ट हाउस को घेर रखा है चारों तरफ से, है ना। देखो ये क्या बोला, मेंढक है। चारों तरफ जयकाल ही जयकाल है भाई। ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे से आ रही है। दिस इज द ब्यूटी। वाओ, क्या चाहिए इसको? कहाँ गई? बैठ गई होगी, टटी रही है, ये पेड़ पे बैठ जाती है ये। अरे वाह, देखा दोस्तों आपने, अब जंगल जग रहा है धीरे धीरे, जैसे 9 बजे के बाद भी। 9:15 बज रहा है। तो मेरे और रोशन भाई के बीच में बातें चल रही थी कि क्या हिम्मत है, क्या एक बार ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में घुस सकते हैं। तो इनका तो मन था ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पीछे। ये देखो इन दोनों गेटों में लॉक लगा हुआ है, बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये वाला खुला हुआ है। मैं इस दिन में इसी से, लेकिन रियली बहुत हॉरिफाई होने वाला। अंदर बहुत बड़े बड़े सोफे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं। दिन में मैं इसी दिन मैं भी गया था दिन में, और अकेला बस बहुत जैसे गया था। लगता है ना थोड़ा सा तो फील आता है ना, थोड़ा सा फील आता है ना हवेली टाइप अंदर से। चलो भाई फाइनली हमने डिसाइड किया है कि इस ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाते हैं, जो कि बंद पड़ा है काफी दिनों से। और लेफ्ट वाले गेट से अंदर जाएंगे, और पूरा यहाँ पे इस वाले रूम में जाएंगे, फिर उस वाले रूम में जाएंगे, फिर उधर तक जाएंगे। लेकिन पेपर साइन करके जाना पहले ही, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इनकी फॉरेस्ट वालों की। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो सबसे पहले गेट कौन खोलेगा? क्या बात, भाई ये बंगला है, दोबारा से देख लीजिए रात को। इसके पार्किंग देखो कितने बड़े हैं, इधर आओ देखो, रूम जितने। ये होता है असली बाथरूम। टाइल्स देखो, टाइल्स वगैरह कितने बड़े बड़े बाथरूम हैं। मैं जब भी तो बोल रहा था इधर आ जाओ, पर उसने मना कर दिया था, नहीं तो इसमें ही रुकते आते। हाँ ये पुराने ज़माने का ना, इसमें पहले तो ठंड काफ़ी हुआ करती थी ना। ओ भाई ये देखो सोफे, और यहाँ पे फोटो देखो, ये है टाइगर यहाँ पे, ये है टाइगर यहाँ पे जो दिखता है, और ये एलिफेंट्स, ये वाले एलिफेंट्स ये तो देख लेते हैं। ये नहीं ये बीच में ड्राइंग रूम में उधर उधर एग्जिट है, क्योंकि छोटा है ना ये, छोटा बहुत है। और ना देखो इधर एक रूम हो रहा है, और देखो ये देखो बाथरूम, इसमें भी यहाँ पे एक बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। तो भाई हम नाइट में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ पे आने की, हम बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके चारों इकट्ठे होके, लग रहा है ना थोड़ा जयपुर स्टाइल हवेली टाइप, पर ऐसे गद्दे कोई नहीं रखता भाई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। सब एक दूसरे का ध्यान रखें, आगे पीछे जो चल रहा है, सबसे लास्ट वाला है कभी। चलो फाइनली सेफली बाहर आ गए हैं, जिंदा, थैंक गॉड भगवान बाहर आ गए हैं इससे। तकरीबन 10 बज चुके हैं और भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे।